तो गाइस आप एक लेग पीस ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। लेग पीस का कलर देखो कैसा लग रहा है ना, लाजवाब। तो गाइस चलो थोड़ा सा तरी भी लगा लेते हैं इसके साथ, ओके। और पहला वाइट लगा, देखते हैं कैसा बनाया है आज। आ जाओ। आज की जो चिकन है ना, वो प्रॉपर तरीके से गल गया है। आज टेस्ट जो है ना, वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है। तो हे गाइस, आज की स्पेशल देखिए, 1 किलो पूरा हंडी चिकन है। पहले आप इसका लुक देखो, देख के बताओ कैसे लग रहा है। दो दो लेग पीस यहाँ पर खड़ा है, एक लेग पीस यहाँ भी खड़ा है। और गाइस ये है गर्मा गर्म पूरी, हंडी चिकन के साथ पूरी की जो कॉम्बिनेशन है ना, आप एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। सर बता रहा हूँ, आपका अंदर तक मतलब वो जो फीलिंग होती है ना, अच्छा खाना जब मुंह के अंदर जाता है तो पूरा दिमाग को हिला डालता है, वो वाला फीलिंग आएगा। साथ में गाइस खीरा है, और गाइस ये जो है ना, ये प्याज को ऐसे कट करना, उसको बेसन के अंदर डुबो कर फ्राई किया गया है। मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको उसका नाम पता है प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना इसका नाम क्या है। और गाइस कोल्ड ड्रिंक्स है, वैसे मैं कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीता, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों की पता है, मुझे भी पता है, इसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा होता है, सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो रोज़ रोज़ पीना मेरे लिए, और वैसे भी ठंड का मौसम है। गाइस देखो, वीडियो तो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ हर 2 दिन बाद शाम को 7 बजे, लेकिन एक बात का बुरा बहुत लगता है गाइस, पता है क्या है, मैं हमेशा हर वीडियो में ये कहता हूँ गाइस, एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या कॉमेंट करना, ये मैं बोलता रहता हूँ। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो या कमेंट करो, लेकिन इतना ज़रूर है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। क्या ना, आपके लाइक से क्या होता है, जो मेरा वीडियो थोड़ा सा और लोगों के पास पहुँच जाएगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट मिल जाएगा, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेता रहूँगा। प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं, आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो गाइस आज स्टार्ट करते हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्याज वाला है ना, इससे स्टार्ट करेंगे। थोड़ा करा रहे हैं गाइस, इसका लुक देखो, ये देखो, दिख रहा है ना आपको, गजब। तो चलिए सबसे पहले हम इसी से ट्राई करते हैं, ओके। ये ना पकौड़ा जैसा फीलिंग आ रहा है, गिरा गाइस। आप भी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे। तो गाइस आप एक लेग पीस जरूर ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। लेग पीस का कलर देखो कैसा लग रहा है ना, लाजवाब। तो गाइस चलो थोड़ा सा तरी भी लगा लेते हैं इसके साथ, ओके। और पहला वाइट लगाकर देखते हैं कैसा बनाया है आज। आज तो गाइस प्याज लाना ही भूल गया, प्याज के बगैर। चलिए कोई बात ना, वन मोर। गाइस टोटली ये होममेड फूड है, सब कुछ घर पे बनाया गया है, और ऑब्वियसली घर का खाना हमेशा हेल्दी होते हैं। आपका इस पूरी के साथ एक बाइट लिया जाए, तो आ जाओ भाई ग्रेवी में डुबो कर गर्मा गर्म। आ जाओ गाइस, ये देखो है ना, आ जाओ। पूरी के साथ हांडी चिकन नेक्स्ट लेवल लग रहा है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर पे पूरी
और गर्मा गर्म हांडी चिकन, ज़्यादा मसाला मत डालिएगा, बिल्कुल हल्का करके, क्योंकि खाने के साथ साथ सेहत का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। गाइस पीसीज देखो देखो, अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें से, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का धुआं निकल रहा है। आ जाओ भाई, लाजवाब। आज की जो पूरी है ना गाइस, ये बिल्कुल फुल्की फुल्की बनी है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये मैदा की पूरी नहीं है, ये आटा की पूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैदा उतना अच्छा नहीं होते सेहत के लिए, तो इसीलिए हमने आटा की पूरी बनवाई है, पर आपको देखने में शायद ये मैदा लग रहा होगा। लुक तो गाइस, एक ठो लेग पीस और ट्राई किया जाए, साथ में देखो हरा धनिया भी है, थोड़ा सा ग्रेवी लगाएंगे इसमें, देखिए जब ना आएंगे मज़ा। लुक देखो है ना, तो गाइस आज की जो चिकन है ना, वो प्रॉपर तरीके से गल गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा टाइट है, बिल्कुल जैसे होना चाहिए ना, ये देखो बिल्कुल वैसा ही है। फिर से पूरी, क्योंकि पूरी आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेटरली इतना मज़ा, वो भी घर की बनी हुई खाने में, बहुत लाजवाब है। एक ठो पकौड़ा और ट्राई करते हैं। लुक गाइस, गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, कौन सी शहर से देख रहे हो, कौन सी गांव या कौन सा स्टेट, प्लीज़ ज़रूर बताना। ओके आज गाइस मुझे लगता है आज मैं सारे फिनिश कर दूँगा, क्योंकि आज टेस्ट जो है ना वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँच चुका है, अब नहीं रुका जाएगा। लुक वन मोर गाइस, लुक गाइस, आपको किस टाइप का मुकबैन वीडियो देखना पसंद है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ रियल मुकबैन वीडियो बनाने की,
रियल का मतलब ये है ना, यहाँ दो मुर्गा है, 50 अंडे हैं, ऐसे नहीं, जितना खा सकता हो उतना लेके बैठता हो और उतना ही दिखाता हो। मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि आप लोगों को फेक वीडियो ना दिखाओ, ओरिजिनल वीडियो दिखाओ, जो रियलिटी में आपको भी लगे कि हाँ बंदर जितना खा रहा है या जितना दिखा रहा है इतना कोई इंसान खा सकता है। उस तरह के वीडियो में कभी नहीं दिखाता है जो इम्पॉसिबल हो, जो आपको देख कर लगे कि ना भाई ये अजीब है, ये गलत है, इतना कौन खा सकता है। आज गाइस सच बता रहा हूँ, बिल्कुल दिल के अंदर तक खुश हो गए हैं। तो गाइस आज की डाइट इतना ही है, पेट पूरी तरह से भर चुका है, ये दो पूरी भी खाने का मन कर रहा है लेकिन पेट में जगह ही नहीं बचा है। मैंने पूरा कोशिश किया खाने की, एक पीस, हाँ दो पीस आलू और इसमें एक पीस चिकन बच गया है, और इसमें से गाइस एक लेग पीस खाया। मान के चलिए आप 700 ग्राम चिकन मैंने खाया, और पूरी में कितना लिया था मुझे याद नहीं है, जो भी है पूरी खाया, दो प्याज का ये पकौड़ा जो भी है ये खाया, सलाड्स। तो गाइस आज के लिए इतना इनाफ है, काफ़ी है, इससे ज़्यादा खाऊंगा तो ऑब्वियसली पूरी और चिकन अच्छा तो है लेकिन उसको झेलने के लिए भी शरीर में जान होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में यही इनाफ करता हूँ। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा। गाइज हमेशा की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर आपको फेक मुकबैंग वीडियो कभी नहीं मिलेगा, मैं हमेशा रियलिटी दिखाता हूँ, जितना एक इंसान खा सकता है उतना ही दिखाने की कोशिश करता हूँ। झूठ बोलकर फेक वीडियो दिखाकर आगे जाने की इच्छा मेरे अंदर नहीं है। अगर आपको लगता है बंदर सच बोल रहा है या अच्छा है इसका वीडियो, तो गाइज मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ एक कमेंट करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे ही ऐसे रियल मुकबैंग वीडियो देखने को मिले। आज की वीडियो देखने के लिए आपको मैं पूरा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा।